एज़ वी ऑल नो कि पुशअप्स हमारे वर्कआउट में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अगर आपका गोल अपनी पुशिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, लाइक एक्सप्लोजिव पुशअप्स करना या फिर हैंड स्टैंड पुशअप करना, ऐसा आपका गोल है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पुशअप्स एंड उसके कुछ वेरिएशन के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वेरिएशन की हम बात करेंगे, दैट इज़ नॉर्मल पुशअप। सो नॉर्मल पुशअप, जैसे कि हम सबको पता है कि हम ग्राउंड पे परफॉर्म करते हैं एंड इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में होती है, हमारा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट इसमें नहीं होना चाहिए, हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में होती है। देन ऐसा करके हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम हमारी जो एल्बोज होती है वो हम हमारी बॉडी के क्लोज भी रख सकते हैं एंड या फिर हमारी हैंड्स प्लेसमेंट को हम थोड़ा वाइड रख के भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। पर जो मोस्ट कॉमनली जो वेरिएशन होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली जो हैंड प्लेसमेंट होती है वो हमारी शोल्डर भी के थोड़ा सा बाहर होती है एंड ऐसा करके हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। बट मोस्ट लोगों के लिए नॉर्मल पुशअप थोड़ा हार्ड होता था, ऐसे में वो लोग इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हैं। इंक्लाइन पुशअप में वो कोई भी इंक्लाइन सरफेस लेकर वहाँ पर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं एंड टाइम के बाद जब वो प्रोग्रेस करते हैं तो हाइट को डिक्रीज़ करके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके थ्रू उनकी धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है एंड जो लोग इस एक्सरसाइज में कंफर्टेबल हो जाते हैं वो लोग देन नी पुशअप्स कर सकते हैं। अगेन ग्राउंड पे आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम आपको अपनी नीज को ग्राउंड पे रखना है, देन अपनी पुशअप को परफॉर्म करना है। ऐसा करके भी आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे एंड देन एक नॉर्मल पुशअप आप कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड जो वेरिएशन हम बात करेंगे, दैट इज़ डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप आपकी ट्राइसेप को टारगेट करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगेन इस एक्सरसाइज में भी आपकी बॉडी ऑफ फ्लैट लाइन में रहती है एंड आपकी जो हैंड की जो पोजीशन होती है आपकी काफ़ी क्लोज रहती है, लाइक ए डायमंड शेप एंड देन ऐसा करके आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। इसमें जो आपकी एल्बोज होती है आपकी वेस्ट लाइन से काफ़ी क्लोज रहती हैं एंड देन इस तरह से टारगेट करते हैं आप अपने ट्राइसेप को। इस एक्सरसाइज को भी आप नीज पर परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन आपको सेम पोजीशन में जाना है, जस्ट आपकी जो हैंड प्लेसमेंट होती है वो आपकी डायमंड रहती है एंड ऐसा करके आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो वेरिएशन की हम बात करें, दैट इज़ एक्सप्लोजिव पुशअप्स। एक्सप्लोजिव पुशअप काफ़ी लोगों का गोल होता है एंड जब आपकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है देन आप इसके लिए जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप परफॉर्म कर सकते हैं इंक्लाइन सरफेस पे, आपको किसी भी इंक्लाइन सरफेस पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। धीरे धीरे करके जब आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है आपको हाइट को डिक्रीज करना है एंड उसके बाद धीरे धीरे आप ग्राउंड पर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इसके बाद जिस वेरिएशन की हम बात करेंगे, दैट इज़ क्लैपिंग पुशअप। जब आपकी नॉर्मल बेसिक्स पुशअप आपका क्लियर हो जाता है एंड आपके एक्सप्लोजिव पुशअप जो आप क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आप क्लैपिंग पुशअप के लिए जा सकते हैं। इसमें जस्ट आपको एक्सप्लोजिव पुशअप के साथ क्लैप करना है ताकि आप ज़्यादा टाइम आप हवा में दे पाएँ। जितना ज़्यादा टाइम आप ऊपर दे पाएंगे उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। इसको भी आप इंक्लाइन सरफेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन आपको टाइम के साथ धीरे धीरे हाइट डिक्रीज़ करके देन आप इसको ग्राउंड पे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो वेरिएशन जिसकी हम बात करें, दैट इज़ पाइक पुशअप। पाइक पुशअप काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपकी शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए, आपके एंट्रियल डेल्टॉइड को ट्रेन करने के लिए। ये एक्सरसाइज आपकी काफ़ी हेल्प करती है आपका जो हैंडस्टैंड पुशअप में, काफ़ी आपकी हेल्प करती है एंड आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, आपकी लेग्स को आपको स्ट्रेट रखना है देन आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। एंड लास्ट में जिस पुशअप वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस वेरिएशन है एंड इस वेरिएशन का नाम है सूडो प्लांच पुशअप्स। इस पुशअप को परफॉर्म करते टाइम आपकी जो हैंड प्लेसमेंट होती है आपकी वेस्टलाइन के पास में होती है एंड आपकी जो बॉडी को आपको थोड़ा आगे लीन करना होता है एंड इसके साथ आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आपके प्लांच में भी काफ़ी हेल्प करती है। अगर आपका गोल प्लांच का है तो आप इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हैं एंड इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है। This ain't a song for the broken hearted, but a silent prayer for faith departed.